वन प्लस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और वन प्लस के जो स्मार्टफोन्स होते हैं ना वो थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन अभी तक जो बिल्ड क्वालिटी या फिर कहें उस फ़ोन की परफॉर्मेंस जो होती है ना वन प्लस की, उसको अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया, और अनबीटेबल स्मार्टफोन्स होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं एक वन प्लस के सक्सेसर जो कि वन प्लस 7 होगा उसके बारे में बात करने वाला हूँ, और इसके बहुत सारे लीक्स रूमर सब निकल के आ चुके हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ वन प्लस की, तो उसकी तरफ से एक और लीक्स आ रही हैं जिसके में हमें देखने को मिलता था क्लियर एडिशन, और आपने अभी तक इसके बारे में सुन ही लिया होगा कि वन प्लस का एक नया स्मार्टफोन आने वाला है जिसका नाम होगा वन प्लस क्लियर एडिशन, और ये जो स्मार्टफोन होगा वो 5G सपोर्ट होगा शायद से। तो देखा जाए तो क्या पता वन प्लस 7 5G है या फिर ये क्लियर एडिशन है, तो इन दोनों में से कोई भी 5G सपोर्ट आ सकता है। लेकिन अगर ये एडिशन पहले अगर 5G आ गया तो वन प्लस के सारे स्मार्टफोन में आपको 5G देखने को मिल सकता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन देखा जाए तो वन प्लस के जो भी स्मार्टफोन आने वाले ना उसमें आपको 5G सपोर्ट देखने को मिलेगा, और लगभग 5G इंडिया में आने वाला है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं वन प्लस 7 के कुछ लीक्स रूमर्स के बारे में, तो वो यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं इसके थोड़ी बहुत आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जिसमें कि आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा ना एंड्रॉयड पाई मिलेगा, मतलब एंड्रॉयड पाई पर स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, और अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना एंड्रॉयड 9 के बाद एंड्रॉयड आपको देखने को मिला क्यू, और पी के बाद क्यू ही आता है बेसिकली अल्फा में। उसके अलावा इसमें आपको डुअल स्लिम देखने को मिलेगी, उसके जो मॉडल नंबर होगा वन प्लस 7 होगा। और अगर मैं इसकी लॉन्चिंग डेट या फिर रिलीज डेट की बात करूं, तो ये जो स्मार्टफोन है ना एक्सपेक्टेड किया जा रहा है तो फेब और मार्च में इस स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है, और जो प्राइस होगी वो लगभग काफ़ी ज़्यादा सही होगी, जैसे कि वन प्लस के सभी स्मार्टफोन की देखने को मिलती है लगभग 38 से 40 हज़ार रुपये तक के बीच में। उसके अलावा मैं बात करूँ फ़ोन के नेटवर्क्स की, तो 5G स्मार्टफोन सपोर्ट होगा, और स्टार्ट करते हैं इसकी डिस्प्ले से, जिसमें कि आपको ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, बेजललेस डिस्प्ले होगी जिसकी पिक्सल डेंसिटी 4394 PPI होगी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, और 6.4 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी 1080x2280 पिक्सल्स के साथ। उसके अलावा टच स्क्रीन होगी, मल्टी टच स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी, और अगर मैं इसके वेरियंट्स की बात करूँ तो इसमें आपको 3 वेरियंट देखने को मिलेंगे जो कि होंगे 3, 4 और 6, और 3GB रैम वाले की स्टोरेज जो होगी वो होगी 32GB, 4GB रैम वाले की स्टोरेज 64GB होगी, और 6GB रैम वाले की स्टोरेज भी 64GB होगी। इसे आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं 256GB तक। बात आती है हम कैमरे की, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि जो कैमरा है ना वन प्लस 7 में आपको ट्रिपल देखने को मिलेंगे, और वन प्लस 7 में जैसे कि आपको ट्रिपल कैमरे जो होंगे ना वो आपको 24+12+8 मेगापिक्सल्स के देखने को मिलेंगे, और वहीं अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो वो आपको 24 मेगापिक्सल्स का देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मैं बात करूँ फ़ोन के बैटरी की, तो इसमें आपको जो है 4200mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलेगी, डैश चार्जिंग स्मार्टफोन सपोर्ट होगा, और क्विक चार्जिंग आपको एब्सोल्युटली देखने को मिलेगी। उसके अलावा मैं से बात करूँ फ़ोन के कुछ प्रोसेसर के बारे में, तो फ़ोन में आपको कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन इस साल का लेटेस्ट 855 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, क्या पता उस साल कोई और अपग्रेडेड आ जाए तो आपको वो शायद देखने को मिल जाए। उसके अलावा मैं इसके ग्राफिक्स की बात करूँ यानी GPU की बात करूँ, तो इसमें आपको एंड्रॉनो 630 देखने को मिलेगा, और जो प्रोसेसर होगा ऑक्टा कोर होगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ फ़ोन के कुछ मल्टी मीडिया की, तो इसमें आपको ऑडियो जैक जो होगी ना 3.5 mm की ऑडियो जैक देखने को मिलेगी, साइड में आपको जो है आपकी बार जो फिंगरप्रिंट था ना पहले वन प्लस ने दिया था वो सब आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपको बैक में एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, फ्रंट में फेस अनलॉक देखने को मिलेगा, और डिस्प्ले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो दोस्तों, यही थे वन प्लस 7 की तरफ से कुछ स्पेक्स रिलीज डेट, और मैंने प्राइस भी शेयर कर दिए हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक एक्साइटिंग फैक्ट्स के साथ। टेक केयर, गुड बाय।